नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवोटेड लर्नर्स चैनल पर। डिवोटेड लर्नर्स जो कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा है, और आज इसी प्रयास के कड़ी में हम भारत के भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। भारत का भूगोल, जिसके माध्यम से हमारा पूरा प्रयास होगा कि आगामी परीक्षा में आपको 100% प्रश्न यहीं से देखने को मिले। दोस्तों, भारत के भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इस चर्चा में हम भारत का सामान्य परिचय क्या है, जिसमें क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, इन सभी पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विश्व में अगर हम भारत को देखें, भारत आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो एशिया महाद्वीप में अवस्थित ये एक दक्षिण एशियाई देश है, जिसकी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5%। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत की बात करें तो संसार का 2.4% भूभाग हमें यहां देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये सातवां स्थान रखता है। इससे बड़े क्षेत्रफल के जो 6 अन्य देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सातवां नंबर जो आता है वो आता है भारत का। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि का विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 2,933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार देखें दोस्तों, तो ये उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है, और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। इसके दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, और इसकी भौगोलिक आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, विश्व का मैप आपको दिख रहा होगा, और विश्व के मैप को अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये आपको 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें हम अक्षांशीय रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है वो अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको उत्तरी अक्षांश रेखाएं देखेंगी, और इसके दक्षिण में आपको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी। विषुवत रेखा के उत्तर में जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, और ये जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इन अक्षांशों के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है वह यूनिट है डिग्री, यानी कि अंश, मिनट और सेकंड। अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये अक्षांश रेखाएं 2 समानांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें तो ये समानांतर रेखाएं आपको इनके बीच की जो दूरी दिखेगी वह दूरी 111 किलोमीटर के आसपास नजर आएंगे। 0 डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 89 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी, और 0 डिग्री से दक्षिण में अगर आप आते हैं तो आपको 89 यहां भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल आपको 89 और एक रेखा जिसको कि हम विषुवत वृत्त पर
जो अक्षांश रेखा है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल जो रेखाएं हैं वो आपकी अक्षांशीय रेखाएं 179 होती हैं। अक्षांश रेखा के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं जो कि प्रधान याम्युत्तर की पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ध्रुवों से विषुवत की ओर जब आप चलेंगे तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ये देशांतर रेखाएं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती रहती है। यानी कि ध्रुवों पे अगर आप इन देशांतर रेखाओं की दूरी देखेंगे और जब आप विषुवत रेखा पर इनके बीच की जब दूरी देखेंगे तो आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये देशांतर रेखाएं जो हैं वो असमानांतर रेखाएं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो 111.33 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलती। अगर हम भारत में कर्क रेखा की बात करें जो कि एक अक्षांशीय रेखा है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके स्क्रीन पर आपको देखने को यह मिल रहा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा यहां से गुजर रही। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हम और भी बात क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में जो और भी चर्चाएं चल सकती हैं वो चल सकती हैं कि आपके स्क्रीन पर ये प्राइम मेरिडियन देखने को मिल रहा है। प्राइम मेरिडियन जिसको कि हम प्रधान याम्युत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, और दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी इसको जाना जाता है जो कि आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है। दोस्तों ये काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है। ये आपकी स्क्रीन पर आपको ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है जिसको किसके माध्यम से जोड़ा गया है, और ये भी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत जैसा कि हमने बात किया कि उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत का अगर हम विस्तार देखेंगे और इसके अक्षांशीय विस्तार को अगर हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री और 4 मिनट से 37 डिग्री और 36 मिनट पर देखने को, माफ कीजिएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट पर आपको देखने को मिलेगा। जबकि इसका देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो देशांतरीय विस्तार हमें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट तक देखने को मिलेगा। भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारत जो है इसकी अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है और इसका जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में हमें देखने को मिलता है। तो भारत के बारे में हमने जो पहले भी बात की, हमने कहा कि भारत से जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत और कर्क रेखा के बारे में और भी बात करें तो दिन की अवधि में जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का जब उत्तरायण हो जाता है तो दिन की अवधि में वृद्धि होती है, और कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा। कर्क रेखा का भारत के लगभग मध्य भाग के से होकर गुजरना हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अतिरिक्त हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्रमाणिक मध्यान रेखा है वह हम देख रहे हैं, जिसको कि भारतीय मानक समय के नाम से भी हम बात कर सकते हैं। भारतीय मानक समय जो कि प्रमाणिक मध्यान रेखा है, यह भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपको देखने को मिलेगा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी जो कि प्रयागराज में है, मिर्जापुर आदि से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, और इसका कारण प्रधान यमुत्तर के पूर्व में स्थित होना है। भारतीय मानक समय अगर हम बात करें तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और इनको आप याद कर सकते हैं उमा,
एसी चलते ही उड़ी। ओमा एसी चलते ही उड़ी के माध्यम से आप अगर इसको समझने का प्रयास करें तो उत्तर, उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ी से उड़ीसा, यानी कि उमा एसी चलते ही उड़ी। और ये पांच राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय या उत्तर रेखा जो है वो गुजरती। अभी हम देशांतर रेखाओं के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे थे, और देशांतर रेखाओं के बारे में जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो जीरो डिग्री देशांतर रेखा के जब आप पश्चिम में चलेंगे तो टोटल आपको 180 डिग्री पर आपको देशांतर रेखाएं, 180 देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी, और पूरब में भी आप चलेंगे तो 180 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 डिग्री है। और ये देशांतर रेखाएं जो है महान वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं जो है वो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती। हम प्रधान या उत्तर रेखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये भारत का आपको नक्शा दिख रहा है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि एक काल्पनिक रेखा है, ये स्थल खंड को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा है। और प्रधान या उत्तर रेखा कि अगर आप पूर्व में चलेंगे तो आपका जो समय है, टाइम है, उसमें आपको प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि समय में वृद्धि होगा अगर आप ईस्ट में चल रहे हैं। लेकिन अगर वही आप वेस्ट में चल रहे हैं तो आपको समय में नेगेटिव यानी कि माइनस देखने को मिलेगा। जीरो से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की जो गणना होती है वो ग्रीनविच माध्य से अगर हम बात करें तो ग्रीनविच माध्य से 12 घंटे आगे होती, लेकिन अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो 12 घंटे पीछे होती। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतरों पे जो समय का अंतर होता है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, आपका जो देशांतर है उस पे जो समय का अंतर होता है वो 24 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। चलिए हम आ जाते हैं फिर से भारत में और बात करते हैं भारत में। अगर हम 31 अक्टूबर 2019 के बाद के आंकड़ों को देखें तो आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 जब भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का निर्माण हुआ, तो उसके बाद भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश बन गया, वही सबसे दक्षिणी राज्य आपका तमिलनाडु है, सबसे पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल है, और वही सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो ये गुजरात हमें देखने को मिल रहा है। सबसे उत्तरी अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख है, और सबसे दक्षिणी अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल रहा है। भारत की अगर सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदुओं के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे उत्तर जो बिंदु है आपको लद्दाख में यहां नजर आ रहा है, जिसको कि हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है लद्दाख में इंदिरा कोल, ये जो सबसे आपकी उत्तरी बिंदु। वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपको वैसे तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है, लेकिन अगर हम भारत की समग्र रूप से बात करें तो सबसे दक्षिण बिंदु आपको इंदिरा पॉइंट नजर आएगा, जो कि अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबीथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम बात करें तो गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है गुहार मोती, वो आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध, और अपने फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री की भी क्लासेस के वीडियोस आपको अपलोड देखने को मिल रहे होंगे, उसको भी समय निकाल के जरूर देखें। भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत जो है वो दो प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। एक है आपकी
प्राकृतिक सीमाएं और दूसरी है आपकी मानव निर्मित सीमा। प्राकृतिक और मानव निर्मित सीमाओं के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत पाकिस्तान के साथ अगर देखें और बांग्लादेश के साथ अगर देखें तो मानव निर्मित सीमाओं को साझा करता है। लेकिन हम पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान में मानव निर्मित के साथ साथ प्राकृतिक दोनों प्रकार की भारतीय सीमा जो है वो साझा करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। भारत की भू सीमा की बात करें तो भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीपीय क्षेत्र सहित तटरेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर में चीन और आपको नेपाल देखने को मिलेगा, नॉर्थ में उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आपको अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। पश्चिम में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व में अगर आप जाएंगे तो पूर्व में आपको बांग्लादेश और म्यांमार के साथ आपको सीमा साझा करता हुआ भारत नजर आ रहा होगा। उत्तर पूर्व में आप जा रहे हैं तो उत्तर पूर्व में आपको भूटान के साथ सीमा साझा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर हम बात करें तो भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इंडियन ओशियन जो मिलती है उस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में है। त्रिपुरा वह राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ सकता है तो आपको याद रखना है त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा जो है वो एक अध्या रोपित सीमा है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के मध्य अंतर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। भारत वर्षों में अगर हम गांव की बात करें कि भारत में कितने गांव हैं, तो गांव की संख्या जो है वो 6,40,932 गांव हैं और ये 2011 के आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। अब भारत के हम भौतिक विभाजन के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत का भौतिक जो विभाजन है उसमें आपको हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है, उत्तर का मैदान देखने को मिल रहा है, प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल रहा है और समुद्र तटीय मैदान आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि प्राकृतिक प्रदेश पे अगर हम बात करें तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप जो है वो भारत में आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें दोस्तों, तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, भारतीय जो स्थल पिंड है, और इन गोंडवाना लैंड में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका आपको देखने को मिलेंगे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी कि आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनीय धाराओं के द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था और भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो भारतीय प्लेट है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको भारतीय प्लेट नजर आ रहे हैं जो कि आपके छोटे प्लेट हैं और उत्तर में आपको यूरेशियन प्लेट नजर आ रहे हैं जो कि आपके बड़े प्लेट हैं, इनका टकराव हुआ और इन टकराव से यानी कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य के टकराव से दोस्तों इन प्लेटों के बीच टेथिस सागर के जो अवसादी चट्टान थे उन अवसादी चट्टानों में वलन की प्रक्रिया हुई और वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ। भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में बात करें तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का जो प्राचीनतम भाग है भूगर्भीय रूप से उसमें भारत का प्रायद्वीपीय पठार आता है। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग जो है इसे माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो है आपका मेघालय का पठार और भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप के द्वारा ये पृथक हुआ है आपका मेघालय का पठार। कौन सा गैप?
मालदा गैप, आप इस नाम को याद रखिएगा, कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न पूछा है। प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो आग्नेय एवं रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंचाई ऊंची पहाड़ियों चोटियों के कारण हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो और जो प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे कि हिमालय के संदर्भ में अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा होगा, तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है वो युवा स्थलाकृति की है और अत्यधिक ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली सारी नदियां जो है वो इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला से आपको निकलते हुए देखने को, पाताल तोड़ कुएं जो है वो आपको हिमालय के इसी तराई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, इन चोटियों पर अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट आपकी स्क्रीन पर यहां आपको देखने को मिल रहा होगा, और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर ऊंचाई है, और ये जो प्रमाणित किया गया है वो प्रमाणित नेपाल एवं चीन के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है इसकी ऊंचाई का, और कहा गया है कि विश्व की सबसे उच्च चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम कंचनजंगा है वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का है, और ये थर्ड नंबर की आपकी चोटी है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। बृहत हिमालय जिसके पार आपको ट्रांस हिमालय नजर आएगा, जिसको कि हम पार हिमालय भी कहते हैं, और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी के रूप में इसको हम जानते हैं, इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रांस हिमालय पर्वत के पश्चिमी हिस्से को जो है वो कैलाश पर्वत कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, श्रेणियां हैं, वो श्रेणी है आपकी काराकोरम श्रेणी, वो है आपकी लद्दाख श्रेणी, वो है आपकी जास्कर श्रेणी, और कैलाश श्रेणी जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके संबंध में और भी अगर हम बात करें तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी जो है वो बृहद हिमालय श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है, उसका नाम कैलाश पर्वत है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। पामीर की गांठ आपको दिख रही होगी, पामीर की ग्रंथि, ये ट्रांस हिमालय तिब्बत में है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति सेनोजॉइक काल और क्रेटेशियस काल में हमें देखने को मिली। ट्रांस हिमालय के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो बृहद हिमालय की बात करेंगे। बृहद हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, और हिमालय के दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। अन्नपूर्णा और धौलागौर चोटी नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम हिमालय में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिमालय में हमें अगर हम बात करें तो हमें कामेत पर्वत, नंदा देवी देखने को मिलता है, और वही पूर्वी हिमालय में अगर हम बात करें तो नामचा बरवा, पटकाई भूम की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये आपने देखिए पूर्व में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, मिजो श्रेणी, नागा श्रेणी, पटकाई भूम, दाफला भूम, ठीक है ना, ये नामचा बरवा आपको दिख रहा है यहां, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एंट्री करती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, ये नामचा बरवा आप देखिए यहाँ, पटकाई भूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी जयंती आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लघु हिमालय के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और बृहद हिमालय के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में आपको लघु हिमालय जो है वो देखने को मिलेगा। लघु हिमालय में हमें कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी देखने को मिलती है, जिसका निर्माण जो है वो मध्य मायोसीन युग में हुआ। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, और धौलाधर, महाभारत आदि अन्य श्रृंखला यहां पाई जाती है।
अगर हम लघु हिमालय की ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इसके बाद जो सबसे निचली जो है, जिसको कि हम शिवालिक कहते हैं, या इसको नवीन हिमालय कहेंगे या बाह हिमालय के रूप से जानेंगे, और देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे प्रसिद्ध दून हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके निर्माण के बारे में हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है, ये निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है, और शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला के नाम से हम इसको जानते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच जो स्थित है वो है आपकी लंबवत घाटी। शिवालिक की ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1000 मीटर तक के आसपास की ऊंचाई इसको देखने को मिलती है। और इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप इसको पसंद कर रहे होंगे। हिमालय के बारे में और भी बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो इसका भौगोलिक विभाजन हमें क्या देखने को मिलेगा, और नदी घाटियों की सीमा के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पश्चिम में जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारा पंजाब हिमालय। इसके बाद आपको देखने को जो मिलेगा वो है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं के पूरब में आप चलेंगे तो तिस्ता नदी तक आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको नेपाल हिमालय, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगा आसाम हिमालय। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में मैंने कहा पंजाब है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में मैंने कहा कुमाऊं है, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच मैंने कहा नेपाल है, और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच आपको आसाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा एक परिचय, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि अगली ज्योग्राफी की क्लास का वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री की भी क्लासेस को भी आप देखिए, और जल्दी हम अन्य विषयों की क्लासेस आने वाले 20 दिन के अंदर करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में लाभ मिले। अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।